होल व्हीट ब्रेड को घर पे बनाएं, ना कि आप मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो, मेरे हिसाब से हेल्दी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो जनाब सिंपल रेसिपी है। 2.5 कप हमारे पास आटा है, चक्की का आटा भूसे के साथ है, फाइबर के साथ। ठीक है, ये मैंने इसको ऐड कर दिया। इसके साथ जो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं वो ये है कि ब्राउन शुगर मैं ऑलमोस्ट 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रहा हूँ, पानी 1 कप। इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ईस्ट को एक्टिवेट करना होता है, तभी आपकी ब्रेड जो है ना प्रूफ होती है, यानी कि फूलती है, तभी हम ब्रेड को बेक कर सकते हैं। सबसे पहले 1 कप पानी में कम अज़ कम 2 से 3 टीस्पून जितना ईस्ट यानी खमीर डालेंगे। अच्छा, ये थोड़ा लूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी जैसे कहते हैं वो होगा। इसको 10 मिनट आप छोड़ दीजिएगा ताकि ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद हम इसी डो के अंदर ईस्ट को भी डाल देंगे और कम अज़ कम तब तक गूंदेंगे जब तक आटा नरम ना हो जाए। अच्छा, टाइम को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी ब्रेड को प्रूफ कर लिया, यानी कि जो हमारा डो है उसको प्रूफ कर लिया, उसको मैं आप दिखा सकता हूँ। तो जी जनाब, ये ऑलरेडी इतना सा डो था, ये अच्छा खासा प्रूफों के ऊपर आ गया। प्रूफ करने के बाद इसको मैंने हाफ करके इस ब्रेड लूप कंटेनर पे रखने से पहले मैंने ऑलिव ऑयल या कोई भी नॉर्मल ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इस पे कंटेनर के साइड पे लगा दें, और इसको 20 मिनट प्रूफ होने में और लगेगा, वो मैं कर चुका हूँ। तो ये इतना फूल जाएगा कम से कम। जब आपकी ब्रेड 20 मिनट बाद इतनी फूल जाए, यानी 1/3 डो रखने के बाद इतनी आपका ये 9x8 सेंटीमीटर का जितना कंटेनर है, फिर हम क्या करेंगे कि ओवन को, जिसको हमने प्री हीट किया हुआ है 120 सेंटीग्रेड पे, 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। ब्रेड आप देख सकते हैं कि मैंने ओवन से निकाली और ये कितनी खूबसूरत और मॉइस्ट और इतनी फ्रेश एक्चुअली। और दूसरी बात ये कि कोई विदाउट प्रिजर्वेटिव आपकी ब्रेड, और ये देखें इससे धुआं भी निकल रहा है। ये देखें, तो आई गेस ये एक स्लाइस में आपको दिखा सकता हूँ, देखें कितनी सॉफ्ट है। तो देखें कितनी फ्रेश, कितनी मॉइस्ट और कितनी मज़े की ये ब्रेड बनी है। तो प्लीज़ आप जो बाहर की प्रोसेस ब्रेड है उसको अवॉइड करें, कितने क्विक, कितने हेल्दी और कितने सस्ते इंग्रेडिएंट्स के साथ ये चीज़ बन गई, और इसका इंटेक आप ज़रूर कीजिए।